फ्रेंड्स, हमारे फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल अमूल आइसक्रीम जैसा आएगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 पैकेट बिस्किट, 1 कप दूध, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप मलाई और 4 चम्मच शुगर पाउडर और वनीला एसेंस। सबसे पहले हमें चाहिए चॉकलेट बिस्किट। इसे हम पहले मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। इसमें हम 1 कटोरी दूध डाल देंगे और चीनी भी इसमें मिक्स करके इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और मलाई भी। बॉल में निकाल लेंगे अब इसमें तो 1-2 बूंदे वनीला एसेंस की डालेंगे। इससे इसकी स्मेल भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। एक बार मिलाकर इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए तैयार होने के लिए छोड़ देंगे। चॉकलेट आइसक्रीम ठंडी हो रही है, तब तक हम उसकी गार्निशिंग के लिए चोको चिप्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक पैन में थोड़ा पानी चाहिए, उसे थोड़ा सा ही गर्म करेंगे, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें अपनी चॉकलेट्स डाल देंगे। अब हम इसमें से निकाल के चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल पिघल चुकी है। अब हम इसे काट लेंगे। चोको चिप्स बनाने के लिए हमें एक फॉइल पेपर चाहिए, आप कोई भी प्लास्टिक का पेपर भी ले सकते हो। वैसे इसमें बनाने के लिए हम चॉकलेट को रैपर से काट के उसके छोटे छोटे चिप्स बना लेंगे इस तरह से। अभी ये चोको चिप्स हमने बना लिए हैं। अब हम इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारी आइसक्रीम भी सेट हो रही है। अब हम मिलेंगे 2 घंटे के बाद। अभी हमारी आइसक्रीम थोड़ी सी सेट हो गई है, ये देखिए। अब हम इसे एक बार दोबारा ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में डाल के। अब ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। हमारे पास ये कप्स हैं, आप कोई भी तरह के कप ले सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम ये चॉकलेट चिप्स हमारे रेडी हो गए हैं, इसमें गार्निशिंग के लिए हम इसे कवर करने के लिए ये हमने फॉइल पेपर लिया है, इसे कवर कर देंगे ताकि इसमें हम आइस क्रिस्टल ना देंगे। अच्छे से कवर करके अब इसे रबर के साथ बंद करके आइसक्रीम को सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इसे सेट होने के लिए 7 से 8 घंटे लगेंगे। हमने ये आइसक्रीम ओवरनाइट जमने के लिए छोड़ दी थी, अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये एकदम बनकर तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसी। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए थोड़ा चॉकलेट सिरप डाल देते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।